नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में चीन की हरकत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पीएलए के सैनिकों ने भारत जवानों पर धोखे से वार करके 28 जवानों को शहीद कर दिया। अभी भी कई सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। उधर अमेरिका खुफिया एजेंसी के हवाले से यूएस न्यूज ने दावा किया है कि एक चीनी कमांडिंग अफसर सहित 35 चीनी सैनिक भी ढेर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार बता कम रही है, छुपाया ज्यादा जा रहा है। यह भारत के मस्तक पर एक तरह से सीधी सीधी चोट है, जिससे हिंदुस्तान का तिल मिलाना स्वाभाविक है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार शांति के गुणगान की भागीदार बनने वाली है, बल्कि मामला वहां तक पहुंच गया है जहां से चीन को सबक सिखाने और उसकी दादागिरी के किले को ध्वस्त करके उसे 2020 के भारत की ताकत से परिचित कराना है। यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कूटनीतिक सरगर्मियां अपनी जगह है, सामान के बहिष्कार का जिम्मा जनता पर छोड़ दिया गया है, जबकि सेना जिस स्तर पर तैयारियां कर रही है उसने चीन में घबराहट बढ़ा दी है। चीनी उप विदेश मंत्री ने चीन में भारत राजदूत से मुलाकात करके संयम बरतने का अनुरोध किया है। चीन को आभास है कि भारतीय सेना के पराक्रम के आगे उसकी 40 से 45 उम्र की सेना कहीं नहीं ठहर पाएगी। हिंद का एक्शन उस पर एक बार फिर से जरूर होगा। वह गलवान घाटी की बजाय 3,500 किलोमीटर की सीमा पर कहीं भी हो सकता है। इसलिए चीनी सेना की भय की वजह से नींद उड़ चुकी है। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पीएलए को पूरी तरह चौकसी बरतने को कहा है। पीएलए ने अपने जवानों को सतर्क करते हुए उन्हें भारत की तरफ से होने वाली कार्रवाई के प्रति आगाह किया है। रात भर एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही है। चीन को उम्मीद थी कि भारत इसका 24 घंटे में ही पलटकर जवाब देगा, मगर सीमा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इससे चीन का भय और अधिक बढ़ गया है और शायद यह भय तब तक बढ़ता रहेगा जबकि भारत की तरफ से तगड़ा जवाब नहीं जाता है। चीनी प्रशासन भारतीय सेना की रणनीति का अनुमान लगाने की कोशिश में है, लेकिन वह समझ नहीं सका है कि भारत किस तरह से पलटकर वार करेगा। यानी अपने 35 सैनिक गंवाने के बाद भी उसके भीतर भारत का डर बढ़ता जा रहा है। भारत अपने 20 सैनिकों के शहीद होने पर खामोशी की चादर ओढ़ चुका है। विदेश मंत्रालय की तरफ से केवल 2.5 लाइन का नपतुला बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि इस घटना से बचा जा सकता था। इस बयान में इस बार शांति दूत की शैली प्रदर्शित नहीं की गई है। यह सदावा और बड़े परिणाम को दर्शाता लक्ष्य आधारित बयान है। यानी जो खामोशी दिखती है उसके पीछे बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। खामोशी को एक आवरण के रूप में सामने रखकर पीछे से जलजले की पटकथा लिखी जा रही है। यह एक प्रकार से ठीक उरी की घटना की तरह है। परिस्थिति अलग है, इसलिए जवाब भी अलग तरीके से देने पर मंथन चल रहा है। अब केवल गलवान घाटी रण क्षेत्र नहीं रहा है, हिमाचल से लेकर सिक्किम तक कहीं पर कुछ भी हो सकता है। भारतीय सेना लक्ष्यों को नतीजे में बदलने में महारत रखती है। यही सेना 1967 में 80 के बदले 340 सीर लेकर आई थी, आज 20 के बदले 2000 की डिमांड बढ़ गई है। ऐसा इसलिए कि यह 2020 का भारत है। यानी 20 खोए हैं, हमको हराल में 2000 चाहिए। और यकीनन भारत की सेना इसकी तैयारी कर चुकी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में मची घबराहट इसकी पुष्टि करती है। पर कहने वाले अब भी यही कहते हैं कि चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत के पास यह उचित अवसर है। चीन अलग थलग है, पूरी दुनिया चीन पर बनाई हुई है। ऐसे में भारत के सामने आज नहीं तो कभी नहीं का अच्छा मौका है। अगर भारत कोई बड़ा एक्शन चीन पर करता है तो दुनिया में उसकी बदनामी होने के साथ कथित सुपर पावर की धौंस भी निकल जाएगी। बड़ी बात यह है कि भारत में इसके लिए ताकत और योग्यता दोनों है, और यकीनन यह ऐसा करने का बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि यह 1962 का नहीं 2020 का भारत है। और भारत अपने 20 जवानों को खो चुका है, जबकि आज हम चुन चुन कर हिसाब लेने के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।